हेलो फ्रेंड्स, मधुज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कैफे स्टाइल झागदार कैपेचिनो कॉफ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी लिया है। इसमें 4 चम्मच चीनी डालेंगे, थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल करके विस्क करेंगे। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक विस्क या हैंड विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है तो आप चम्मच से भी इसे घुमा घुमा करके बना सकते हैं। चम्मच से घुमाने से भी ये एकदम फ्लॉपी हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इलेक्ट्रिक विस्क का इस्तेमाल किया है, थोड़ी ही देर में भी फ्लॉपी हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है, एकदम क्रीम की तरह गाढ़ा हो गया है। अब इसे मैं साइड में रख दे रही हूँ। कॉफ़ी बनाने के लिए भगोने में मैंने 2 ग्लास फुल क्रीम दूध डाला है। दूध को अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। मैंने आधा दूध झाग बनाने के लिए लिया है, तो मैं झाग बनाने के लिए हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दूध में ढेर सारा झाग आ जाए, इसे साइड में रख देंगे। जो मैंने कॉफ़ी तैयार किया है, इसमें से ग्लास में डालेंगे। आपको स्ट्रांग फ्लेवर पसंद हो तो आप 3 चम्मच ग्लास में डालें, लाइट पसंद हो तो आप इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। जो बचा हुआ ये कॉफ़ी है, आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और हफ्ते दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में कोई अचानक मेहमान आने वाला हो तो आप पहले से बना के रख लें और तुरंत कॉफ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मैंने दूध डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर झाग वाला दूध डालेंगे। कैफे में जो कैपेचिनो कॉफ़ी मिलता है, आप देखते होंगे ढेर सारा झाग रहता है, तो इसके ऊपर झाग डाल देंगे। ऊपर से मैं थोड़ा सा कॉफ़ी से गार्निश कर दे रही हूँ। तो ये हमारा कैफे स्टाइल कैपेचिनो कॉफ़ी बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है आप सबको हमारी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।